नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मनरेगा योजना की चर्चा कोरोना काल में काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके तहत इस योजना के माध्यम से कोरोना के माहौल में अन्य शहरों की तरह कूच करने वाले कई बिहारी वापस अपने घर लौटे थे, जिन्हें इस योजना के तहत ही रोजगार दिया गया था। वहीं अगर योजना है तो योजनाओं में गड़बड़ी का होना भी लाजमी है। ऐसे में अब मनरेगा योजना से जुड़ी शिकायतों का समाधान आपको मिलने वाला है, क्योंकि बिहार में मनरेगा लोकपाल की बहाली जल्द ही होने वाली है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने अब जल्द ही मनरेगा लोकपाल की बहाली की जाएगी। आलम कुछ यूं है कि कई जिलों में वर्षों से यह पद खाली है। हालांकि राज्य सरकार ने 6 महीने पहले ही बहाली की प्रक्रिया को शुरू किया था, जिसमें फिलहाल 31 उम्मीदवारों को इसके योग्य पाया गया है। जिन भी अभ्यर्थियों को योग्य पाया गया है, उनकी सूची वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। हालांकि इसमें आम लोगों की सहभागिता अहम मानी जाएगी, जिसके तहत आम लोगों से आपत्तियों की मांग की गई है। अगर आम लोगों की तरफ से कोई गंभीर आपत्तियां नहीं आई तो सूची में शामिल लोग मनरेगा के लोकपाल बहाल कर दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव राजीव रोशन की माने तो लोकपाल के लिए अब तक 342 आवेदन आए हैं। इनमें से 212 आवेदन विचार के लिए स्वीकार किए गए हैं, वहीं 130 आवेदनों को त्रुटिपूर्ण मानकर रद्द कर दिया गया है। फिलहाल स्वीकार किए गए आवेदनों में से सिर्फ 74 को योग्य श्रेणी में रखा गया है। फरवरी में कई चरणों में काउंसलिंग हुई है, सिर्फ 39 आवेदन ऐसे थे जिन्होंने दावे के अनुरूप साक्ष्य जमा किए। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि लोकपाल आखिर है क्या। सरकार की योजना चाहे जो हो, उस योजना में परेशानी होना लाजमी है, जिसके कारण शिकायतों का आना भी लाजमी है। ऐसा ही आलम मनरेगा से जुड़ी तमाम शिकायतों की सुनवाई लोकपाल करते हैं। शिकायत चाहे जो हो, यह लोकपाल की जिम्मेदारी होती है कि संबंधित योजना से जुड़ी शिकायतों का निवारण हो सके, जिससे कि आम नागरिकों को सहूलियत हो। जैसा कि हमने आपको बताया कि लोकपाल की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, ऐसे में उनके कार्यालय को भी खास जगह पर बनाया गया है, जिसके तहत अगर आप भी लोकपाल के कार्यालय में जाकर उनसे शिकायत करना चाहते हैं तो जिला मुख्यालय में जा सकते हैं। इसके साथ ही योजना से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए इन लोकपालों की बहाली 2 साल के लिए होती है। 65 साल की उम्र से पहले तक 1-1 साल का सेवा विस्तार भी मिल सकता है। मानदेय के तौर पर हर एक दिन की बैठक के लिए 1,000 रुपए निर्धारित है, लेकिन ये भी तय है कि महीने में कुल मानदेय की राशि 20,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। वहीं बिहार में मनरेगा योजना के तहत लोकपाल की बहाली की बात करें तो पिछले महीने भी लोकपाल चयन समिति की बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें 39 में से 31 को पूरी तरह से इस पद के लिए योग्य पाया गया है। जनता की आपत्तियों का समय पूरा हो गया है, जिसकी समीक्षा फिलहाल विभाग कर रहा है। समीक्षा के बाद जितने आवेदक अंतिम तौर पर योग्य पाए जाएंगे, उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। आपको बता दें, वर्तमान समय में सभी जिलों के लिए एक लोकपाल का प्रावधान है। अपेक्षित संख्या में उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में कुछ लोकपाल को एक से अधिक जिले का प्रभार दिया जा सकता है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।